वंडरफुल मॉर्निंग रहा था शौर्य चौहान के साथ। यार बहुत ही अमेजिंग मॉर्निंग हो रही है यहाँ पे, मैं बता नहीं सकता कि कितना अच्छा फील हो रहा है। बाइक भगाने में जो मजा आ रहा है ना, साइड में बॉर्डर है, आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। करते हैं इस नए व्लॉग की शुरुआत अच्छी वाइब्स के साथ। यहाँ से उड़ंचू होते हैं लोंगे वाला के लिए, चलो भाई। सुबह के बज गए हैं 8 और पहुंच गया हूं मैं लोंगे वाला पे। बहुत सही टाइम पे मैं पहुंचा हूं। यहां पे इस टाइम पे कोई भी नहीं है अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू आर्मी पर्सनल। यू कैन सी लोंगे वाला 0 किलोमीटर, भारत का आखिरी कैफ़े। यार ये ट्रिप बहुत ही अमेजिंग और एडवेंचरस पे एडवेंचरस होता जा रहा है। सुबह सुबह निकला मैं तनोट माता मंदिर से और सीधा अभी 8 बजे मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक और पेट्रियाटिक सी फीलिंग आ रही है मेरे को यहाँ पे आके, क्योंकि चारों तरफ थोड़ा आर्मी का टाइप सा माहौल है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिस इज़ द फाइनल पॉइंट ऑफ इंडिया। सामने एक बहुत ही अमेजिंग सा सनराइज़ हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ, क्योंकि रात को सोया भी बढ़िया से आर्मी गेस्ट हाउस में, उधर तनोट माता मंदिर पर सोया था। और इधर मेरे साइड में जो देख रहे हैं वो लोंगे वाला वॉर मेमोरियल है, उधर की तरफ कहीं म्यूज़ियम है। यहाँ पे शूट करते हैं थोड़ा सा और कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं और यहाँ से फटाफट निकलते हैं। दिस इज़ सोलो मैन फ्रॉम TSM Explorations। लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। सो गाइस आई एम करेंटली स्टैंडिंग एट द लोंगे वाला वॉर मेमोरियल। उधर कुछ ये बता रहे हैं कि मूवी वगैरह चलती है, उसको भी देखते हैं। तो काफ़ी सही है, दो यहाँ पे प्लेन्स वगैरह भी कुछ खड़े हुए हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं रिलेटेड टू जो लोग शहीद हुए हैं। पीछे हमारा तिरंगा लहरा रहा है, मुझे प्राउड फील करा रहा है इस जगह खड़े होने में ही मुझे ऑलरेडी गूज़बम्स आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सही है यार, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। तो बस यहाँ से चलते हैं, अब आगे चुपचाप से निकलते हैं। ये जो पॉइंट है, मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा दूर हूँ अपने घर से और आई गेस काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको भी ये ट्रिप। इस ट्रिप पे एक बढ़िया दोस्त मिले, सोलो ट्रैवल का यही तो मज़ा होता है कि नए नए लोग आपको मिलते हैं और अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं। आई होप ये ट्रिप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सच में अच्छा लगा है तो कंसिडर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। अपन ने माउंटेंस बहुत देख लिए थे बट अपने को देखने था रेगिस्तान। अ बिग शाउट आउट टू माई ब्रदर मिस्टर पवन भाई,
ये इस ट्रिप पे मिले, एक चेकलिस्ट में फ्रेंड ऐड हो गया। अभी बस इस जगह से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। Come all you young rounders, and a story I'll tell of the promise of heaven and the warning of hell. But take heed where you ramble, or too soon you will go way up on the hillside. Flowers grow. Really met in the springtime, the sun sinking low. Two star-crossed lovers. भाई जितना दूर तक नजर जा रही है ना, उतना दूर तक कुछ ही नहीं दिख रहा। पूरा वीराना भयंकर वाला एक्सपीरियंस है यार ये। बहुत सही यार। By the way, सम अब एक का करीब 20 किलोमीटर रह गया। जंगली ऊंट घूम रहे हैं। ये कोई यार बहुत ही रिमोट गांव है सम के रास्ते में। अभी हम आगे चढ़ते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। अमेजिंग रास्ता है यार, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे। फाइनली कुछ लोग दिखे बहुत देर बाद। अब सीधा सम पहुँचते हैं, सम मिलते हैं। पहुंच गया मैं यार सैम पे, और अभी सबसे पहले एक डेजर्ट कैंप बुक करते हैं। प्लान यही है कि अभी सबसे पहले रुकते हैं, कोई रूम वगैरह लेते हैं और शाम को सफारी वगैरह के लिए निकलेंगे। भाई क्या रेट है पर बंदे का? नाइट रुकना? हाँ, सब कुछ मिला के। सो गाइज, आई हैव लेफ्ट माई टेंट फॉर डेजर्ट सफारी। अभी इन लोग का कॉल आया था कि जीप बाहर रेडी है, तो मैं फटाफट से रेडी होके आ गया। आप लेके चलेंगे? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है सर। गाइज, आई हैव लेफ्ट फॉर डेजर्ट सफारी। लेट्स सी क्या होता है, और चलते हैं यहाँ से और आगे डेजर्ट में मिलते हैं। ये अली भाई है हमारे शॉफर आज के लिए। डेजर्ट सफारी, और बस यहाँ से 5 मिनट का रास्ता रहता है लेफ्ट लेके, और एक अमेजिंग एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाएगा। जब स्टार्ट हो गया है डेजर्ट थार। बहुत ही अमेजिंग है व्यू, और बहुत ही मजा भी आ रहा है। जस्ट लुक एट द व्यू गाइस। पसलियां तोड़ेगा भाई, जब गिरने वाली ना पता है बता देना। पवन भाई मजा आ रहा है? वाह, मजा आ रहा है। बहुत बहुत सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा। यार मजा आ गया सच में। और अभी प्लान है कि कुछ अच्छे से ड्रोन शॉट्स मिल जाए तो लाइव बन जाए। तो अभी मैं जा रहा हूँ ड्यून के ऊपर। ये हुई ना बात, मजा आ गया यार। The sun is right behind me guys, and I'm enjoying myself a lot. This is it, Thar Desert for you guys.
जैसे मेरा ये ट्रिप एंड की तरफ जा रहा है, वो ZNMD का छुट्टी खत्म और काम शुरू होने वाला सीन याद आ रहा है। लाइफ में जब भी दो चीज़ों के बीच में कन्फ्यूजन होता है, मैं हमेशा अपने अंदर की आवाज़ सुनता हूँ, क्योंकि वो आवाज़ हमें कभी धोखा नहीं देती। लाइफ को फुल ऑन जियो यार। हाँ मानता हूँ हम सबकी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, लाइफ प्रैक्टिकलिटी से चलती है, बट ये भी याद रखना कि प्रैक्टिकलिटी के चक्कर में लाइफ का चार्म ही खत्म ना हो जाए। वो जैपनीज में क्या कहते हैं, इकिगाई। उसके लिए आपको मुझ पागल की तरह हजारों किलोमीटर का सफर करने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, यू कैन बी हैप्पी एट योर होम विद योर दाल चावल। चलता हूँ, मन बोले तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग।